मेरे प्यारे दोस्तों, होप यू ऑल आर गुड। आज का क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12। ये नंबर है, अदरवाइज ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत पॉपुलर है और क्लास 10 के स्टूडेंट्स भी इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में भी है और क्लास 11 में भी है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सीरीज है, उस सीरीज के m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर है, और हमें प्रूव करना है कि उसकी mth टर्म और nth टर्म का रेशियो 2m-1 इज टू 2n-1 है। इसमें एक मज़ेदार बात है कि एक ट्रिक भी है मेरे पास, तो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक इसके लास्ट में बताऊंगा, जिससे आप इजीली और हैप्पीली बहुत आसानी से प्रूव कर देंगे कि mth टर्म और nth टर्म का रेशियो ये है, और वो आपके आगे भी काम आएगी। तो अभी देखें, अभी हम इसको पहले सिस्टमेटिकली अप्रोच करते हैं। sm अपॉन sn इज इक्वल टू दिस sm mth टर्म m टर्म्स का सम, फर्स्ट m टर्म्स का सम होगा m बाय 2a प्लस m-1 इंटू डी, करेक्ट, अपॉन n बाय 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसके लिए इंडिपेंडेंटली इसको चुना है कि इसका इंडिपेंडेंट वीडियो बनेगा। और आप देखें कि क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब ये एम से ये एम कैंसिल, ध्यान से देखना बच्चों, ये एम से ये एम कैंसिल, ये mth टर्म, ये जो m टर्म्स के सम का फॉर्मूला और n टर्म्स के सम का फॉर्मूला लगा दिया, m से m कैंसिल, n से ये n कैंसिल। अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो डिनोमिनेटर है उसको m की तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। तो n इंटू दिस मच, n इंटू 2a प्लस m-1d इज इक्वल टू m इंटू 2a प्लस n-1d। अब इसे ओपन कर लेते हैं, बस कोई खास बात नहीं, ओपन करेंगे और थोड़ी देर में आपको आंसर मिलेगा। तो इसको ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 2an प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा mnd माइनस nd इज इक्वल टू 2am प्लस mnd माइनस md। आप देखिए जो जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए, mnd और mnd कैंसिल हो गए। अब 2an और 2am एक साइड ट्रांसफर कर दें आप, तो ये हो जाएगा 2an माइनस 2am इज इक्वल टू माइनस md है और ये माइनस nd उधर भेजा हमने, तो ये हो जाएगा nd माइनस md। बाइफरकेशन कर देते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन n-m, d कॉमन n-m, n-m n-m कैंसिल, d की वैल्यू आ गई है आपके पास 2a, d इज इक्वल टू 2a। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें tm और tn, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो का फॉर्मूला लगाना होगा, और जगह आप देख रहे हैं कम है तो इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो tm अपॉन tn, आप साथ में रहें, आखिरी में मैं आपको ऐसी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा। tm अपॉन tn, tm अपॉन tn क्या होगा, a प्लस m-1 d
a प्लस एन माइनस वन डी। आप d की वैल्यू रख सकते हैं, a की भी रख सकते हैं। हमने मान लीजिए d की वैल्यू रख दी, d की जगह 2a रख दिया, तो a प्लस एम माइनस वन इंटू टू ए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू ए। अब a कॉमन ले ले, a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, प्लस यहाँ पे बचेगा 2 इंटू दिस मच, तो इसको ओपन कर ले, 2m माइनस टू, नीचे से a कॉमन ले ले, यहाँ बचेगा 1, प्लस ये जो बचा इसको ओपन कर ले, 2n माइनस टू। अब देखिए आपका आ गया आंसर, क्या आंसर है आपका, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो ये इसका प्रूफ था, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। कैलकुलेट कर लिया, 2m माइनस टू प्लस वन, 2m माइनस वन हो गया। अब मैं ट्रिक क्या बताने वाला था वो भी अब आप देख लीजिए। वो ट्रिक लगभग इस तरह से है, अगर आप यहां पे, फिर आपको उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, m की जगह आप, m कैसा नंबर है, नेचुरल है, m की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5। m की जगह अगर आप 2m माइनस वन डालना चाहें तो 2m माइनस वन तो ऑड होता है, इसकी वैल्यू होती है 1 3 5 7। तो जो चीज़ 1 2 3 4 के लिए ट्रू है तो वो 1 3 5 7 के लिए भी ट्रू होगी, क्योंकि वो तो सबके लिए ट्रू है ना, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, सारी के लिए, सारे नेचुरल, और हम तो उसमें सिलेक्टेड रख रहे हैं तो उसके लिए भी ट्रू होगी। और n की जगह अगर आप 2n माइनस वन रख दें, जैसे m है वैसे n है, तो क्या होगा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2m माइनस वन माइनस वन डी, और नीचे हो जाएगा आपका 2a प्लस 2n माइनस वन माइनस वन डी। m की जगह आ जाएगा 2m माइनस वन, एन की जगह आ जाएगा 2n माइनस वन। अब क्या करना है आपको, बस अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो प्रूव हो गया ये, फिर भी आपको मैं बता दूँ ये क्या चीज़ लिखा हुआ है 2a, और ये लिखा है 2m माइनस टू। तो अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा a प्लस m माइनस वन डी, क्योंकि ये लिखा हुआ है 2m माइनस वन, वन माइनस वन यानी 2m माइनस टू है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो m माइनस वन हो जाएगा, और नीचे क्या होगा a प्लस एन माइनस वन डी, राइट साइड में कितना है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ये 2 से 2 कैंसिल, ये क्या चीज़ है, ये आपका tm है, और ये क्या चीज़ है, ये आपका tn है, तो tm अपॉन tn ये आ गया आपका। तो ये इसकी ट्रिक थी, अब ये आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं और उनसे डिस्कस कर ले, जब वो अग्री करते हैं तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, और अदरवाइज मैंने डायरेक्ट मेथड भी आपको बता दिया। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और मेरे चैनल को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों से बात करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट।